नमस्ते, मैं हूँ अर्चना दुबे। मेरे सेल चैनल अर्चना दुबे क्यूप्रेशर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पुअर डाइजेशन, जिसे हम इनडाइजेशन डिस्पेप्सिया या बदहजमी भी कहते हैं, इसके ऊपर। और इसको बताने के साथ ही इसका वंडरफुल पॉइंट बताऊंगी मैं कि आप इस पर कलर लगाकर या मैग्नेट लगाकर किस तरीके से अपने वीक डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए क्लास तक, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल सके और आप उसको देख सकें। इसके पहले भी हमने देखे, ये है हमारा बॉडी डिटॉक्स का पार्ट 5। इसके पहले भी हमने 4 वीडियो और बनाई हैं, जिसमें पहले भाग में हमने पूरी जनरल क्लीनिंग की थी, किडनी इसमें विशेष रूप से शामिल था। इसके बाद हमने सफाई करी थी सेकेंड वीडियो में, पार्ट 2 में, वो था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, जिसकी वजह से आपको गैस बन रही, पेट फूल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हमने पार्ट 2 में वीडियो बना के आपको दी है ऑलरेडी। इसका जो थर्ड पार्ट था वो डिवर्मिंग का था, कि अगर बड़ी आंतों में प्रॉब्लम होने से, कॉन्स्टिपेशन बनने से बहुत दिनों तक कीड़े पड़ गए, वर्म्स हो गए हैं, तो ये वर्म्स आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसको कैसे निकालें, तो इसके पॉइंट्स हमने आपको बताए थे। थर्ड जो पार्ट था ये तो डिवर्मिंग का हो गया। चौथे पार्ट में हमने बात की थी कि अगर आपके लिवर में कोई कंजेशन है, लिवर आपका वीक है, प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या क्या सिम्टम आएंगे और क्या परेशानियां होंगी। तो अगर आपने इसको नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो से पहले उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगी, आप इसको क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, और प्लेलिस्ट में हमने नाम डाला है बॉडी डिटॉक्स नेचुरली, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। आती हूँ आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजिंग और बहुत ही परेशान करने वाला है, और साथ ही ये आपके डेली लाइफ में भी आपको ऐसे ही तंग करता है। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में जानते नहीं हैं ज़्यादा, इसीलिए परेशान होते हैं। क्यों? आप इसके नाम से ही देखिए, आपको पता चल जाए कि कितना कन्फ्यूजिंग है। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है, क्या है, हमने बताया कि पुअर डाइजेशन, वीक डाइजेशन, इसे हम डिस्पेप्सिया या बदहजमी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके जो प्रचलित शब्द है, प्रचलित नाम है, वो पुअर डाइजेशन के अलावा स्लग्स डाइजेशन तो है ही, अपच, अजीर्ण, पेट का खराब हो जाना, यानी पेट का अपसेट हो जाना, इसके अलावा इसको हार्ट बर्न बोलते हैं, इसके अलावा इसको एसिडिटी बोलते हैं, इसके अलावा इसको बहुत सारे नामों से, इतने नाम अभी मैं बताते बताते सिम्टम आपको बताऊंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन असली ये इनडाइजेशन कहिए, इसको डिस्पेप्सिया कहिए, या फिर कहिए बदहजमी हो गई। ठीक, इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है आपका, जिसको हम मेडिकल टर्म में एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, इस जगह पर फुलनेस या आपको इनडाइजेशन की फीलिंग, या आपको बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन, या आपको ब्लोटिंग, पेट का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना या महसूस होना, ये दोनों ही कंडीशन इसमें हो जाती हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार के डिस्कम्फर्ट को चूंकि हम कहते हैं इनडाइजेशन, इसलिए ये कोई रोग नहीं है, ये केवल एक दशा है, ये केवल एक कंडीशन है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब ये कब कब हो सकता है, किसको हो सकता है, क्या सिम्टम आते हैं, इस पर देखते हैं। देखिए, ये ओकेजनली भी हो सकता है, ये डेली भी हो सकता है। ये इसका संबंध केवल स्टमक इटसेल्फ से नहीं है, इसका संबंध आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से हो सकता है, इसका संबंध आपके गॉल ब्लैडर से हो सकता है, इसका संबंध आपके बड़ी आंत से हो सकता है, यानी स्टमक के अलावा भी बड़े सारे ऑर्गन हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर एसआई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको इनडाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया सपोज करिए, या जॉन्डिस हो गया, या लिवर की कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो भी आपको इनडाइजेशन जैसा फीलिंग होता है। इवन आपको हार्ट का कोई ट्रबल होने वाला है, उसके पहले भी आप ऐसी चीज़ें फील करते हैं। इसके अलावा ये आपके डेली रूटीन में आई खराबी की वजह भी बन सकता है, आपका जो डाइट है वो ठीक ना हो, आपका लाइफ स्टाइल ठीक ना हो, आप रात रात भर जगते हों, एनजाइटी में रहते हों, मेंटल स्ट्रेस में रहते हों, तो भी आप इनडाइजेशन फील करते हैं, और जब ये लंबे समय तक चलता है तो ये आपके डाइजेशन को फेल कर देता है। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? इसका सिम्टम होता है कि जिस समय आप खाना खाने बैठे हैं, खा रहे हैं, आपके पेट में हैवीनेस हो गई, आप पूरा खाना खा भी नहीं पाते, मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं, छोड़ देते, कहते हमसे खाया ही नहीं जाएगा, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है,
समझ ही नहीं आ रहे हमें। इसके अलावा हो सकता है कभी कभी पेट में दर्द भी होने लगे, या एकदम तना तना सा स्ट्रेचिंग फील हो, वहाँ पे खिंचाव हो, ब्लोटिंग हो सकता है ना। तो ये सारे सिम्टम आपके इस कंडीशन में मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इसमें हीट फीलिंग हो सकती है आपको एपिगैस्ट्रियम रीजन में ही, या बर्निंग फीलिंग हो सकती है खाना खाने से पहले या खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद। टाइटनेस वगैरह तो हमने बताया ही आपको। तो पेट में पेट का फूल जाना या उसमें एकदम बलून जैसा बड़ा हो जाना, टाइट हो जाना, दर्द करना, ये सारी कुछ उसी वजह से होता क्या है, जब आप खाना खाते उससे गैस फॉर्मेशन होती है स्टमक में या इंटेस्टाइन में, और उसके आउटकम में ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आपको स्टमक में अजीब सी एक उलझन सी बेचैनी सी फील होती हो, आपको कभी कभी नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, या कभी कभी हो भी जाएगी, बहुत ज़रूरी नहीं कि डेली हो, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न इंडाइजेशन नहीं है, लेकिन लोग हार्ट बर्न जैसा सिम्टम आने पर इसको बोल देते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसको एसिडिटी भी बोल देते हैं, हालांकि एसिडिटी इंडाइजेशन अलग है, अब टोटली डिफरेंट है, ये मैं किसी अलग वीडियो में बताऊं, क्योंकि एक अपने आप में ही एसिडिटी बहुत बड़ा विषय है। तो इसको लोग बोल देते हैं कि ये जो आपका हार्ट बर्न है यही आपकी एसिडिटी है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो GERD होता है आपने सुना होगा ना, ये उसका सिम्टम है। GERD माने गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो उसमें जो खाने की नली का जो एंड है, यानी स्टमक का ऊपर वाला जो आपका स्फिंक्टर होता है, वो लूज हो जाता है, जिससे खाना आपका मुंह में आने लगता है और आप बोलते हैं कि हमें तो इनडाइजेशन हो गया। तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। खाने की नली का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और ये जो मैं बता रही हूँ स्टमक का, इसके अलावा परसिस्टेंट सिम्टम मिल सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट के, लगातार भूख ही कम होती जा रही, पता नहीं क्यों, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लेकिन भूख कम हो जा रही है, या आपको वॉमिटिंग हो सकती है, कभी कभी वॉमिटिंग में ब्लड भी इवन आ सकता है, या ये भी हो सकता है कि ब्लड जो है ना निकले आपके वॉमिटिंग से, लेकिन स्टूल में जो ब्लड आपका आएगा वो मिक्स होकर के आएगा, तो हो सकता है आपका स्टूल ब्लैकिश हो, तो काले रंग का स्टूल आ सकता है, कभी कभी स्टूल भी ब्लैक हो सकता है और वॉमिटिंग भी आ सकती है ब्लड वाली, कभी सादी वॉमिटिंग हो सकती है और ब्लड भी आ सकता है स्टूल में, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, खाने की नली में अगर रुकावट होने लग गई उसी के बाद, तो क्या होगा, खाना खाते समय अटकेगा, आपको खून की कमी हो सकती है इंडाइजेशन की वजह से। अब खून की कमी होगा तो क्या सिम्टम आएंगे, थकान आएगी, आपकी सांस फूलेगी, आपको पसीना आएगा, थोड़ा सा भी काम किया तो पसीना आ गया। तो पसीना आना ऐसा नहीं कि गर्मी का ही परिणाम है, खून की कमी का भी संकेत हो सकता है, और पसीने के साथ ही सीने में दर्द हो सकता है, जिसको हम एक्जर्शनल एंजाइना भी कहते हैं, और ये सेम सिम्टम देता है, सीने में दर्द होगा, जबड़े में दर्द आ जाएगा, बाएं हाथ में पूरा दर्द आ जाएगा, एकदम वैसे ही सिम्टम होगा जैसे नॉर्मल एंजाइना में आता है। और ये किनको होगा, जिनको इंडाइजेशन होते होते खून की कमी रहने लग गई है और उसके बाद ये सिम्टम उनको आता है, ठीक है। इसके अलावा लगातार वेट का लॉस होना, तो ये मैंने जो बताया वो क्या था, वो था हमारा सिम्टम। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कारण की। इसके प्रमुख कारणों में है ओवर ईटिंग, सबसे प्रमुख कारण ओवर ईटिंग है, हम बहुत ज़्यादा और बड़ी जल्दी, और दूसरा होता है ईटिंग टू क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी खाना और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना। जाहिर सी बात है, जब आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो इंडाइजेशन तो होगा, और यही इंडाइजेशन जब लंबे समय तक चलता है तो आपको परेशान कर देता है। तो आप ओवर ईटिंग ना करें, ओवर ईटिंग से ये परेशानी हो जाएगी, या बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो भी हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को सेंस लेने में 20-30 मिनट लगते हैं, जब तक वो सेंस लेगा कि उसका पेट भरा नहीं भरा, तब तक तो आप ओवर ईट कर चुके होते, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को आराम से रिलैक्स होकर खाइए। इसके अलावा अगर आप फैटी फूड खाते हैं, या ग्रीसी फूड खाते हैं, या स्पाइसी फूड खूब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी धीरे धीरे जाके इंडाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कैफीन वाली चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं, दिन भर कॉफ़ी ही पिए जा रहे हैं, या जिसमें कैफीन वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं,
या कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं, चॉकलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा यूज़ कर रहे हैं, खूब ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, तो ऐसे भी चीज़ों से आगे चल करके धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा कि कभी कभी हमने कॉफ़ी पी ली तो हो गया, नहीं, हम हैबिट बना लेते हैं कि खाना भी खा रहे हैं, खाना खा के तुरंत साथ में, और नाश्ते में तो अक्सर ये गलती लोग करते हैं, नाश्ते के साथ में कॉफ़ी पीते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे खुद को ऑफ़र किया गया, जब भी मैं बाहर वगैरह लेक्चर लेने जाती थी तो मुझे लोग ऑफ़र करते थे कि ब्रेकफास्ट आ गया, मैम ब्रेकफास्ट में आप टी लेंगी कॉफ़ी लेंगी, तो होता है, हर जगह हो रहा होगा, ऐसे लंच में भी होता था कि आप लंच के साथ में टी लेंगी, या कुछ लोग आधे घंटे बाद टी ब्रेक और कॉफ़ी ब्रेक करते थे, तो मुझे वहाँ से चीज़ें दिखती थी। इसके अलावा अगर आप टोबैको का सेवन करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे आप बीड़ी सिगरेट पीते हों, चाहे पान तंबाकू वाला खाते हों, चाहे पान मसाला खाते हों, चाहे गुटखा वगैरह जो प्रचलित है बहुत ज़्यादा ये खाते हों, किसी भी फॉर्म में अगर तंबाकू आपके शरीर में जा रहा है तो ये एसिडिटी क्रिएट करेगा आज नहीं तो कल। और फिर आप कहेंगे पता नहीं क्यों, हम तो बड़े साधु संन्यासी हैं तब भी ऐसा होता है। इसके अलावा स्ट्रेस, मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा पैनिक रिएक्शन में अगर हम रहते हैं, हमेशा बिल्कुल घबराए रहते, ये कैसे होगा, ये कैसे, ये क्या होगा, तो इससे क्या होता है, जो हमारी एड्रेनालिन है ना उस पर जोर पड़ता है, एड्रेनालिन रश के कारण भी हमें इंडाइजेशन होने लगता है। जैसे हम डेली लाइफ में परेशान रहते हैं ना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कभी ये छूट गया काम, कभी वो छूट गया, वैसे ही हमारे ऑर्गन भी काम करने लगते हैं, तो हमें नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कुछ लोग एंटीबायोटिक के बड़े यूज टू होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ वो एंटीबायोटिक ले लिया, तो अगर आप एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे हो सकता है, पेन किलर, ज़रा सा भी कुछ हुआ पेन किलर ले लिया, पेन किलर भी आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके से स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, किसी किसी को बहुत ज़्यादा जैसे जोड़ों में दर्द है या कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसके तहत लेना पड़ता है, तो अगर आप ले रहे हैं तो आगे तैयार रहें कि आपको ये हो सकता है। आयरन सप्लीमेंट, चूँकि इंडाइजेशन है, खून की कमी है, उसके लिए आप आयरन सप्लीमेंट लेंगे, आयरन सप्लीमेंट लेंगे तो आपको ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यह हुई मेडिसिन की बात। मेडिसिन के अलावा कुछ बीमारियाँ, जैसे मान लीजिए आपको पेप्टिक अल्सर है, बहुत दिनों तक ये पेप्टिक अल्सर बना रहा, तो ये पेप्टिक अल्सर आपको क्या कर देगा, ये आपको इंडाइजेशन में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में स्टोन मान लीजिए हो गया, या गॉल ब्लैडर में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है हो गया, और कॉन्स्टिपेशन है, और इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है, और सीलियक डिजीज़ है जिसमें ग्लूटेन और की चीज़ें वीट वगैरह पेशेंट नहीं पचा पाता है, किसी भी प्रकार का कैंसर है, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो, चाहे वो लिवर में हो, चाहे वो स्टमक में हो, तो GIT से रिलेटेड जो हमारे ऑर्गन हैं, अगर वहाँ का कोई कैंसर है उसका भी आप देखेंगे स्टार्टिंग जो सिम्टम होता है वो इंडाइजेशन ही होता है। पेशेंट कहता है पता नहीं क्यों हमें ऐसा हो रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम ये है। इसके अलावा पेंक्रियास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेंक्रियाइटिस है, एक्यूट वाली नहीं क्रोनिक वाली, तो अगर एक्यूट क्रोनिक पेंक्रियाइटिस है तो उसमें भी आपको ये सिम्टम देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये हुए हमारे कारण। अच्छा, एक कारण और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है खाने की कमी। अभी तक शुरू में हमने बताया था ओवर ईटिंग, अब बता रही हूँ कि अगर आप खाना सामान्य से कम खाते हैं, या खाने में प्रोटीन की कमी होती है, या खाने में इरेगुलर टाइमिंग होती है, या आप खाने में कच्ची चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, सलाद वगैरह का, हालांकि सलाद टोटली रॉन्ग है अगर आप उसको खाने के साथ खाते हैं, क्यों वो मैं किसी और वीडियो में बता दूँगी। इसके साथ ही अगर आप ठंडी चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठंडी चीज़ इन द सेंस कि बैठे हुए हैं एकदम फ्रिज से निकाली हुई कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठंडा पानी इवन यूज़ कर रहे हैं, आप उसको बाहर रखिए, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर पे, थोड़ा उसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, और उसके बाद आप उसका सेवन करिए। अब ये तो मैंने बात कर ली प्रॉब्लम की, मैंने बात कर ली सिम्टम की, मैंने बात कर ली है कॉजेस की, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट इसका बेहद आसान, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ट्रिकी, इतनी परेशान करने वाली, ट्रीटमेंट उतना ही बेहद आसान।
आपको करना है स्टमक का 41 पॉइंट सिलेक्शन, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट और सिंगल साइड, इसको दोनों हाथों में नहीं लगाना है। स्टमक 41 सेलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड में, केवल लेफ्ट, राइट में नहीं। इसको हमें करना है टोन। क्या है ये, कौन सा पॉइंट? ये स्टमक का फायर पॉइंट होता है, ये स्टमक का टोनिफिकेशन पॉइंट है। टोनिफिकेशन माने इसमें एनर्जी देने वाला पॉइंट है। ये डिस्पर्सिंग पॉइंट है, यानी जो वहाँ पर इनडाइजेस्टेड फूड वगैरह है उसको लेकर डिस्पर्स कर देता है, डाइजेस्ट करेगा, ताकत देगा और आगे भगा देगा। तो इसमें ह्यूमिड हीट, यानी कोई इन्फेक्शन की वजह से चीज़ें आई हो या कोई ये ग्रीसी फूड ये वो खाया हो उसकी वजह से आया हो, तो उसको ये ठीक करता है। ये वास्तव में क्या करता है, ये वास्तव में जो स्टमक में आपके एसिड बनता है ना, पेट में जो एसिड होता है, वो एसिड की कमी को ये सुधारता है। तो एसिड की कमी बढ़ाने वाला ये पॉइंट है स्टमक 41। इसको करना है हमें टोन। तो टोन के लिए हम कलर क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमें कलर क्या यूज़ करना है, सामने आप देख सकते हैं, और मैग्नेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या तो कलर यूज़ करें या तो आप मैग्नेट यूज़ करें। कलर का भी सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहें मैग्नेट के लिए तो मैग्नेट भी सामने, आपको पता ही है कि वाइट मैग्नेट यूज़ करते हैं हम टोनिफिकेशन के लिए। आप इसको 12 से 14 घंटा 16 घंटा लगाएं, और साथ में ध्यान रखें कि आपको खाते समय या पानी पीते समय किन बातों की सावधानियां रखना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो एक डेली रूटीन नाम से भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाइए और उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। कैसे खाना खाना है, कितना खाना खाना है, पानी कितने देर बाद पीना है, कितना पीना है, क्यों पीना है, उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और नहीं होगा तो मैं किसी और वीडियो के साथ में, चूँकि वीडियो बड़ी हो रही है, इसको यहीं बंद करना है, तो किसी और वीडियो में मैं उसको अलग से बता दूंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज आप अपना करेंगे स्टमक की फास्टिंग, स्टमक की सफाई, उसकी सर्विसिंग, तो आप इसको करिए, और जो भी हो हमें रिस्पॉन्स बताते रहिए कि आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, और कर रहे हैं तो क्या इसको आप करने के बाद महसूस कर रहे हैं। और साथ में अगर आप इस तरीके की वीडियो पाना चाहते हैं, पूरी सीरीज़ पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टोटली फ्री होता है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ऑल वाले पर, आपको हमारी वीडियो टाइम से मिल जाएंगी, कहीं खोजना नहीं पड़ेगा और आप उसका आनंद उठा सकेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।